देखा होगा कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि वो खाती तो सब कुछ है लेकिन उनकी बॉडी को लगता है, बेबी को कुछ लगता ही नहीं है, उनका वेट बढ़ता चला जाता है, बेबी का वेट नॉर्मल उतना ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रही हो। तो मेरे लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हमें किस साइड सोना चाहिए, कौन सी साइड सोने से हमारा बेबी हेल्दी होगा और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। आपने सभी से सुना होगा कि हमें हमेशा प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम सोने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड सोने की, लेकिन हम सो नहीं पाते। आज हम बात करेंगे कि हमें किस साइड प्रेगनेंसी में सोना चाहिए जिससे कि हमारा बेबी अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अच्छे से हेल्दी हो और स्ट्रांग हो। प्रेगनेंसी में सोने से बहुत ज्यादा बेबी पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे सोने का तरीका बेबी की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। इसलिए हमें किस तरह से सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है बेबी की ग्रोथ में, तो वही चीज मैं आज आपको आपने मोस्टली मोस्टली सुना होगा कि प्रेगनेंसी में हमको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। लेफ्ट साइड क्यों सोना चाहिए, राइट साइड क्यों नहीं सोना चाहिए? कुछ लेडीज होती हैं जिनको लेफ्ट साइड में नींद आती है, अब कुछ लेडीज होती हैं उनको राइट साइड में नींद आती है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके अभी मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, बिल्कुल एंड चल रहा है 9 मंथ का, तो मुझे तो मतलब लेफ्ट साइड में ही सोने में अच्छा लगा। मैं पूरा पूरी प्रेगनेंसी अपनी लेफ्ट साइड में ही सोई हूँ। इससे कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको राइट साइड में ही नींद आती है, कुछ को नॉर्मल अपना लेफ्ट साइड में ही नींद आ जाती है, ऐसा प्रेगनेंसी में अक्सर देखा गया है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हमें राइट साइड में क्यों नहीं सोना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं और राइट साइड में करवट लेके हम सो जाते हैं या लेट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी आप डॉक्टर के पास गई होंगी अपना चेकअप कराने, या किसी भी वजह से आप डॉक्टर के पास गई होंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही गई होंगी, तभी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको अब लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। आपको इसीलिए एडवाइस करता है कि लेफ्ट साइड में सोने से बेबी अच्छे से बेबी को क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलते हैं, जो आप खाती हैं वो बच्चे को भी लगता है और आपको भी लगता है। इसीलिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप लेफ्ट साइड में करवट लेके सोइए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लेडी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो लेफ्ट साइड में करवट लेके चाहते हुए भी नहीं सो पाती हैं और कुछ लेडीज आराम से सो जाती हैं। राइट साइड में सोने से हमारे बेबी को ब्लड तो अच्छे से पहुंचता ही नहीं है, इसलिए हम लोग को हमेशा डॉक्टर जो होता है वो हमेशा रिकमेंड लेफ्ट साइड सोने के लिए ही करता है कि बेबी हमारा अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से हेल्दी हो और उसे अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी छोटा होता है, तो इस टाइम पे हम किसी भी तरह से किसी भी पोजीशन में लेट सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लेट सकते हैं, राइट साइड भी लेट सकते हैं, आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे करके लेट सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप पीठ के बल भी लेट सकते हैं, पेट के बल भी आप कभी कभी, अगर आपको कुछ लेडीज होती हैं जिनको पेट के बल लेटना अच्छा लगता है, उन्हें वैसे ही कंफर्ट आता है ना, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जैसे चाहें वैसे लेट सकते हैं। जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए बेबी की ग्रोथ को लेकर, क्योंकि जो भी हम खाएंगे वो बेबी को ही लगेगा। आपने देखा होगा कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि वो खाती तो सब कुछ है लेकिन उनकी बॉडी को लगता है, बेबी को कुछ लगता ही नहीं है, उनका वेट बढ़ता चला जाता है, बेबी का वेट नॉर्मल उतना ही रहता है। 1 महीने बाद वो फिर से चेकअप कराने जाती हैं, वेट अपना चेक करती हैं, तो बेबी का तो उतना ही है लेकिन उनका बढ़ गया वेट, लेकिन बेबी पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं पड़ा? तो वो इसीलिए नहीं पड़ता है कि हम लोग खाते पीते तो सारा कुछ है लेकिन बेबी को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है लेटने की, बेबी को सब कुछ मिल नहीं पाता है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता,
तो मेन रीज़न यही होता है कि बेबी हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, उसका वेट अच्छे से गेन नहीं होता। तो जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाए तो उस समय हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से लेटना है, किस तरह से बैठना है, हमें अपने लेटने उठने बैठने इन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है वो सारा बच्चे के ट्राइमेस्टर लग जाए। तब आपको क्या करना है, आप खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने के बाद आप बैठिए थोड़ी देर रेस्ट करिए, तुरंत नहीं लेटना है आपको, ना ही तुरंत वॉक करना है। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, उसके बाद आप वॉक करिए, और वॉक करने के बाद में आप पानी पीजिए, उसके बाद आप लेटिए। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में करवट लेके ही लेटना है। जब आप सोने जाएंगी तो उस टाइम पे आपको लेफ्ट साइड में करवट लेके ही समथिंग 10 या से 15 मिनट तक, अगर आपको नींद लेफ्ट में नहीं आती है तो 10 से 15 मिनट तक तो आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो लीवर होता है वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इस टाइम पे आपको लेफ्ट साइड में ही सोना है, क्योंकि अगर हम राइट साइड में करवट तुरंत ले लेंगे तो ऐसा क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो लीवर है वो दब जाएगा, अच्छे से खाना बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको खाना खाने के 5-10 मिनट वेट मतलब रेस्ट करना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक वॉक करनी है, फिर जब हम लेटेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में करवट लेके 15 से 20 मिनट तक लेटना है, जिससे कि बेबी को अच्छे से सारे न्यूट्रिशन उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद आप अपनी जो पोजीशन आपको चाहिए है आप वैसे करके लेट सकते हैं। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी आप सीधे पीठ के बल भी लेट सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट राइट में नींद नहीं आती है तो आप सीधे पीठ के बल लेट सकते हैं। उसके बाद आप राइट साइड में करवट ले लें, फिर लेफ्ट में ले लें, आप करवट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आपको राइट साइड में नींद आती है तो आप राइट साइड में करवट लेके लेटी रहें, तो ऐसा ना करिए, क्योंकि ऐसा करने से बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, और बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और हेल्दी नहीं हो पाएगा। हर एक माँ चाहती है कि उसका बेबी हेल्दी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बेबी अगर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो जब वो बाहर आएगा तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो है ना। तो हम लोग अच्छे से उसका पहले से ही अच्छे से अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो ये सारी परेशानियाँ होंगी ही नहीं। तो अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इस सब चीज़ों पे आप अभी से ध्यान देना शुरू करेंगी तो लास्ट ट्राइमेस्टर आते आते आपकी हैबिट में आ जाएगा, और आप अच्छे से, आपको नींद भी आ जाएगी और आपका बेबी भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए और लेफ्ट साइड ही सोना, जिससे कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और आप उसे आसानी से देख पाएंगी। तो मिलती हूँ एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।